हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स मैथ्स का चैप्टर टू होल नंबर्स और इसमें एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है और एंडलेसली आगे बढ़ता जाता है। तो जब नंबर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे 1, 2, 3, 4 कितने भी आप उसमें काउंट करते जाइए, वो सारे होल नंबर्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर्स आगे वाले, नेक्स्ट, जब भी आपसे बोला जाए कि नेक्स्ट और आफ्टर, ठीक है, तो मतलब आपको जो भी नंबर गिवन है उसमें ऐड करते जाना है। तो आप पहले इसमें 10999 जो है, इसमें आप 1 को ऐड करेंगे। आपने 1 ऐड किया तो 9 + 1 = 10 कैरी गया, 9 + 1 = 10 फिर कैरी, 9 + 1 = 10 फिर कैरी, तो ये हो जाएगा 11,000। तो 10999 के बाद जो है, आप नेक्स्ट जो नंबर ऐड करेंगे, अगर 1 ऐड करेंगे तो 11,000 आएगा। फिर क्या करिए आप इसका, और नेक्स्ट निकालने के लिए 3 निकालने हैं ना, तो जो आंसर आया 11,000 उसमें आप +1 कर दीजिए, तो 10011, क्योंकि 0 + 1 = 1 और बाकी ऐसे उतार दीजिए। फिर जो आंसर आया उसमें फिर से आप 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1 = 20011। तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए आप 10999 में 1 ऐड करिए और फिर जो आंसर आते जाते हैं उनमें 1 1 ऐड करते जाइए, तो आपके आगे के नंबर आप मिलते जाएंगे। तो इसमें 11,000 में +1 करा तो 11001, फिर 11001 में 1 ऐड करा तो 11002, ऐसे करके आप नेक्स्ट नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, थ्री होल नंबर्स जस्ट बिफोर 10001। तो तीन होल नंबर जो इससे पहले, जब भी बिफोर आता है, बिफोर है ना, बिफोर तो मतलब माइनस, जो भी नंबर गिवन है उसमें से आपको 1 माइनस करना है। जस्ट बिफोर मतलब माइनस, तो बिफोर में माइनस करते हैं, तो जो गिवन है माइनस करा, 1 - 1 = 0, फिर 0, फिर 0 और फिर हमारा 1 आ गया, तो हमारे 4 times 0 आ गए और 1 आ गया 1। तो 1001 में से 1 माइनस किया तो 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। फिर उसके बाद हमें इससे एक और, इससे आगे, फिर इसमें से हम फिर से 1 माइनस करें, क्योंकि जैसे पहले आंसर जो आता है उसमें से 1 माइनस करते हैं। 1 माइनस किया तो कैरी लेते जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो 10 है ये इसको इधर वाले को कैरी देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर ये इधर कैरी देगा तो ये 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा और ये भी जो है 9 होता जाएगा। फिर ये 10 में से 1 गया तो 9, और बाकी सारे तो 9 हो ही गए थे, जैसे माइनस करते हैं कैरी लेके, सिंपली माइनस किया है। फिर 999 जो है इसको माइनस करेंगे इससे 1, तो देखिए 9999 इसमें से 1 माइनस किया तो 9 - 1 = 8, फिर 9 ऐसे उतर जाएगा, 9 ऐसे उतर जाएगा, 9 ऐसे उतर जाएगा, तो 9998 जो है हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, ये सही हो गया। फिर उसके बाद हमारे तीन नंबर मिल गए। जब भी जस्ट बिफोर, बिफोर वाले में हम माइनस करेंगे 1 1, जितने भी नंबर हैं उतने टाइम्स माइनस करते जाएंगे जो आंसर आएगा उसमें से, और आफ्टर वाले में प्लस करते जाएंगे। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? हमने अभी देखा होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होल नंबर 0 हो जाएगा। हाउ मैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 and 53। तो 32 and 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आएंगे? तो 32 और 33 को हम हटा देंगे, इन दोनों के बीच में, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों को नहीं काउंट करना, इनके बीच के नंबर, ठीक है। तो 32 के बाद फिर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ऐसे करके आप जब काउंट करते जाएंगे आगे तक, तो आपको पता लगेगा कि 20 आएगा इन दोनों के बीच के। या फिर एक तरीका और है, 53 में से थोड़ा सा वो वैसा है, कुछ नहीं है, इजी सा है, देखिए 53 में से आप 32 को माइनस करिए, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 3 - 2 = 1 बचेगा, और 5 - 3 = 2 बचेगा। अब ये आंसर है 21, ठीक है, इसमें से आप 1 को माइनस कर दीजिए बस, और आपका आंसर मिल जाएगा कि इन दोनों के बीच में 20 होल नंबर्स आएंगे। सिंपल सा हो गया है ना, आ गया समझ में कि कैसे निकालेंगे? इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को, और फिर जो आंसर आएगा उससे फिर से 1 माइनस कर देंगे, तो कितने होल नंबर्स हैं बीच में वो हमें मिल जाएंगे। या फिर आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं 33, 34, 35, 36 ऐसे करके। फिर अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमें, राइट सक्सेसर, हमें सक्सेसर बताने हैं। सक्सेसर का मतलब होता है अगेन प्लस, ठीक है, सक्सेसर का मतलब होता है प्लस, सक्सेस कर रहे हैं ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे करके आप याद रख लीजिए कि सक्सेसर का मतलब होता है प्लस, तो हमें ऐड करना है। सक्सेसर बताने हैं हमें 4, 2, 4, 4,
071 का हमें सक्सेसर बताना है, तो इस नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। जब हम 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 और बाकी सारे एज इट इज़ उतर जाएंगे, 0 4 4 2, तो 2 4 4 0 7 0 2 ये जो हो जाएगा ये इसका 2 4 4 0 7 0 1 का सक्सेसर हो जाएगा। अब आगे है ये देखिए नेक्स्ट है ना 100199, सक्सेसर क्या करते हैं, सक्सेसर में सिर्फ हम 1 ऐड कर देते हैं निकालने के लिए। 1 ऐड करेंगे तो 9 प्लस 1 10, कैरी गया ऊपर, 9 प्लस 1 10, फिर कैरी गया ऊपर तो 1 प्लस 1 2, बाकी कुछ है नहीं तो 0 0 और 1, तो 100200 ये क्या हो जाएगा सक्सेसर। इसके बाद फिर से हम लोगों ने नॉर्मली ऐड कर दिया, इसमें 1 ऐड किया तो ये वाला हमारा बन के आ गया, इसमें 1 ऐड किया तो 2 3 4 5 6 7 1 हो जाएगा। ऐसे करके जो है सक्सेसर नॉर्मली ऐड करके हम निकाल लेते हैं। प्रेडिसेसर का मतलब होता है माइनस, प्रेडिसेसर में हम माइनस करते हैं, सक्सेसर में हम क्या करते हैं प्लस, प्रेडिसेसर में हम क्या करते हैं माइनस, ठीक हो गया। तो हम प्रेडिसेसर निकालना है तो जो भी नंबर गिवन है उसे माइनस कर देंगे। इसका प्रेडिसेसर 94 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 93। 10,000 में से भी हम 1 माइनस करेंगे तो 9999 बचेगा, क्योंकि देखिए इसको काटा 9 हो गया क्योंकि कैरी दिया, तो कैरी दिया तो ये 10 कुछ नहीं, फिर से आगे कैरी दिया ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, बट फिर कैरी दिया तो ये 9 हो गया, तो ये 10 10 माइनस 1 9 और बाकी सारे के सारे 9 तो नीचे उतर जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा जो है 10,000 माइनस 1 9999, फिर 208090, इसमें से हम लोग क्या करेंगे माइनस 1 करेंगे तो 90 जो नॉर्मल जैसे हम लोग माइनस करते हैं तो 208089 आ जाएगा। नॉर्मल जो है इनमें से 1 माइनस कर देना है। अब हम लोगों को ये नंबर देखने हैं कि कौन से वाला हमें बताना है लेफ्ट में आएगा। अब देखिए लेफ्ट में ना जैसे कि नंबर लाइन होती है 0 है ना, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो हमेशा लेफ्ट साइड ये वाली साइड होती है लेफ्ट, ठीक है, और ये वाली होती है राइट। तो छोटे नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में आते हैं, छोटे नंबर ठीक है जो होते हैं हमेशा लेफ्ट साइड में आते हैं, लेफ्ट जो है स्मॉल डिजिट्स, स्मॉल डिजिट्स छोटे नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में आते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, इन दोनों में से हमारा छोटा है 503, तो 503 क्या होगा लेफ्ट में होगा, है ना, 503 हमारा लेफ्ट में रहेगा। और फिर हम लोग साइन लगा के भी बताना है, तो साइन क्या होगा छोटे वाले की तरफ मुंह बंद होता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुलता है, तो 503 530 से छोटा है तो इसकी तरफ मुंह बंद हो जाएगा, इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा। ऐसे ही हम लोग कर लेंगे 370 और 307, तो देखिए 307 छोटा है तो वो लेफ्ट साइड में होगा और छोटे वाले की तरफ मुंह बंद रहता है तो मुंह बंद कर देंगे और 370 की तरफ मुंह खुला हो जाएगा। नेक्स्ट जो है उसमें भी हमें ये करना यही है, थोड़ा सा मिस हो गया है, 98765 है और दूसरा है 56789, तो 56789 छोटा है हमारा, है ना, तो वो हो जाएगा लेफ्ट साइड में। अब छोटा बड़ा कैसे देखते हैं ये तो पता है ना, चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए तीन, पहले हम डिजिट काउंट करते हैं तो 3 है 3 है, फिर हम क्या देखते हैं फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वंस डिजिट होती है, ये टेंस होती है, ये 100 होती है ना, तो हम लोग वंस डिजिट से देखना शुरू करते हैं। तो वंस डिजिट जिसकी बड़ी होगी वो बड़ा नंबर होगा, अगर सॉरी पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वंस से नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं वंस टेंस हंड्रेड से, हंड्रेड वाले से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो हंड्रेड वाले में जो डिजिट बड़ी होगी तो वही बड़ा हो जाएगा, बट यहाँ तो 100 डिजिट हमारी बराबर है, 100 बराबर होगी तो हम लोग टेंस पे जाएंगे, टेंस में जो बड़ा होगा वो बड़ा, टेंस 7 और टेंस 0, तो 7 वाला 370 इज ग्रेटर देन 307, ये तो आप लोग देखना सीख ही गए होंगे 6th क्लास में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं और छोटा वाला लेफ्ट साइड आता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें भी देखिए 9 8 7 6 5 5 6 7 8 9, तो 9 देखिए बड़ा है 5 से, नंबर ऑफ डिजिट 5 5 है दोनों में, काउंट कर लिया हमने। तो फिर हम लोगों ने लेफ्ट साइड से देखा तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पहले 9 आ रहा है और यहाँ पहले 5 आ रहा है, तो 5 वाला छोटा होगा, तो हम लोगों ने छोटे वाला साइन लगा दिया 5 वाले की तरफ, ये देखिए यहाँ पे, फिर हम लोगों ने लिख दिया कि 5 6 7 8 9 इज लेस देन 9 8 7 6 5। फिर नेक्स्ट वाला भी सेम हो जाएगा, हम लोग नंबर काउंट करेंगे तो 1 2, इस वाले में देखें हम इस वाले को जो देखें तो 1 2 3 4 5 6 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 8 आ गए तो ये वाला बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में है ना, और दूसरे वाला राइट साइड में। और मुंह भी खोल देंगे हम किसकी तरफ, हम ऐसे करके मुंह खोल देंगे बड़े वाले की तरफ। ये हो गया, आप सिर्फ ट्रू फॉल्स बचे हैं। तो देखिए, ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ज़ीरो, फॉल्स है, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है ज़ीरो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ वन। होल नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं और दोनों के दोनों आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। 400 इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ 399, नहीं, प्रेडिसेसर का मतलब होता है माइनस, तो 399 का प्रेडिसेसर होगा माइनस वन, 399 माइनस 1, 398, 400 तो इसका सक्सेसर है तो ये फॉल्स। ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ट्रू, देखा कितनी बार। 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599, सक्सेसर प्लस वन, 599 प्लस 1, 600, ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बिल्कुल सही बात है। देखिए, होल नंबर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बिल्कुल सही बात है। होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 चलते जाते हैं, तो नेचुरल नंबर भी आ गए सारे होल नंबर में, तो ट्रू। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो भी आता है मगर नेचुरल नंबर तो वन से स्टार्ट होते हैं, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ज़ीरो हट जाएगा उसमें, है ना। फिर नेक्स्ट है, प्रेडिसेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज़ नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, ये तो फॉल्स है। टू डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर जो है, प्रेडिसेसर होता है माइनस, है ना। तो अगर हम लोग टू डिजिट नंबर है तो टू डिजिट नंबर 10 एग्जांपल ले लेते हैं, टू डिजिट नंबर 10 प्रेडिसेसर माइनस करा 1, तो वन डिजिट नंबर तो आ गया, 9 आ गया, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है कि नेवर, भैया ऐसा हो सकता है, जब हम लोग 10 में से 1 माइनस करेंगे तो उसका प्रेडिसेसर 9 हो जाएगा जो कि सिंगल डिजिट नंबर है, तो फॉल्स। वन इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, फॉल्स। वन इज़ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं, ये फॉल्स। नेचुरल नंबर वन इज़ नेचुरल नंबर वन हैज़ नो प्रेडिसेसर, नेचुरल नंबर वन का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता है, इससे पहले कुछ नहीं आता, बिल्कुल सही, क्योंकि नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है, 1 माइनस 1 0, मगर 0 तो होल नंबर है, इसलिए नेचुरल नंबर वन का प्रेडिसेसर हमारा नेचुरल नंबर में नहीं हो सकता, ट्रू। होल नंबर वन इज़ नो प्रेडिसेसर, हैज़ नो प्रेडिसेसर, होल नंबर वन जो है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा, ये गलत बात है। तो प्री का मतलब पहले, होल नंबर वन का प्रेडिसेसर हो सकता है क्योंकि होल नंबर में हमारा ज़ीरो भी आता है, तो 1 माइनस 1 0 इज, तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, तो होल नंबर जो वन है उसका प्रेडिसेसर हो जाएगा हमारा ज़ीरो, तो हमारा हो जाएगा ये वाला फॉल्स, इसका प्रेडिसेसर है। होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, नहीं, 11 तो 12 के बाद आता है, बिटवीन तो बीच में होता है, 11 और 12 के बीच में कुछ नहीं आता, पॉइंटों में पहुंच जाते हैं वो, आप थोड़ा आगे क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है, होल नंबर ज़ीरो हैज़ नो प्रेडिसेसर, अब ज़ीरो का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, प्रेडिसेसर का मतलब माइनस वन, ज़ीरो से वन आप माइनस वन करेंगे तो वो तो इंटीजर हो जाएंगे, तो मतलब नहीं, होल नंबर तो ज़ीरो पे ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका प्रेडिसेसर नहीं होगा, ट्रू। नेक्स्ट है, सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर, नहीं, हमेशा टू डिजिट नंबर का सक्सेसर मतलब प्लस वन टू डिजिट थोड़े होता है, आप देख लीजिए 99 का सक्सेसर प्लस 100 कितना हो गया, 3 डिजिट 1, 2, 3, ये है टू डिजिट, तो हमेशा क्या टू डिजिट होगा टू डिजिट नंबर का सक्सेसर, आगे वाला नहीं, 100 हो सकता है, तो मतलब ये फॉल्स। तो चैप्टर की एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो गई, थैंक यू।